अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें पहचाना नहीं तो? अभी तो सलाम किया। मुझे पहचाना नहीं, अभी तो जवाब दिया है। अजीब आदमी। आपको देख के एक शेर याद आ गया। सुनाइए। आपकी पर्सनैलिटी पे ओ। आप हैं ही खूबसूरत। खूबसूरत हैं आप। बस कभी गुरूर नहीं किया, तेरा बनता भी नहीं है। तुम्हें देख के एक शेर याद आया। सुनाइए। शायर ने क्या खूब कहा जी। आहा। क्या शेर है। आहा। सुनाया कब है? नहीं सुनाया कब है? ये होता है बीच में, नहीं होता साइडों पे होता है। शेर सुना दूं फिर करें वाह वाह। अच्छा सुने। हाँ। कौन कहता तेरे बाप के पास पैसा नहीं होता? कौन कहता है मेरे बाप के पास पैसा नहीं होता? थोड़े से पैसे दाई को देते तू ऐसा नहीं होता। ये जगह थी बाबा की, अब मौत आ गई तुझे। ये कैसा शेर है? एक और शेर सुनाइए। दिले वीरा है तेरी याद तन्हाई है। दिले वीरा है तेरी याद तन्हाई है। मैंने सुना तुम्हारी अम्मी पश्तो फिल्मों में आई है। नहीं ऐसी अखबार में देखा था। एक और शेर। हाँ। बहुत अच्छा शेर सुनाइए। आप सुनाएंगे। हाँ। हमारा जवाब सुनिए। दिले वीरा है तेरी याद तन्हाई है। आहा हा। दिले वीरा है तेरी याद तन्हाई है। हमने सुना है तुमने एक सुंडी फंसाई है। बेइज्जती। हाँ। इसका जवाब सुनो। सुनाइए। दिले वीरा है तेरी याद तन्हाई है। दिले वीरा है तेरी याद तन्हाई है। मेरी जान तुम्हें नहीं पता वो सुंडी तुम्हारे घर से ही आई है, तुम सोए हुए थे। हमारा शेर सुनिए। इरशाद उल हक कुद्दूसी। हाँ। तू इधर कर या उधर कर। काफी अदबी शेर है, वजनी शेर है। तू इधर कर या उधर कर। करता रहे हरदम। करता रहे हरदम। करने से पहले देख ले। करने से पहले देख ले। लोटे में पानी है या खत्म। अबे ये शेर तो नहीं हुआ फिर, ये तो पेट के हालात हुए। लोटा दिखाओ। फुल है भाई, टोंटी तोड़ गया कोई। ऐसे शेर तो 10,000 आते हैं। सुना यौमे पाकिस्तान के हवाले से। हाँ। सुनो। मुल्क बनाए कायदे आजम ने और ऐश करे हम। मुल्क बनाए कायदे आजम ने और ऐश करे हम। खुदा की कसम। खुदा की कसम। शेर खत्म। कैसा है ये? कैसा शेर? बस ऐसे ही हो जाता कभी कभी। हमारा शेर सुनिए। आहा। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह चरवाहे के लड़के, क्या बकरी को शेर में एडजस्ट किया। अगला मिसरा अच्छा होगा, जबरदस्त। आहा। बकरी चढ़ गई, आगे चल। अगला मिसरा बकरी आगे। अगला मिसरा बकरी। 3 घंटे हो गए तेरी बकरी नहीं चढ़ रही, हम थक गए तुम्हारी बकरी नहीं थक रही। अगला मिसरा सीढ़ी लगा के दोस्तों, वही कह रहा हूँ। चलो इशारों में तो पा रहे हैं। जब कह दिया बकरी चढ़ गई वो जा रही। अगला मिसरा। अगला मिसरा बकरी चढ़ी पहाड़ पे। आ ठुमक 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 ठुमक। बकरी बदलो भाई, इसका कैरेक्टर ही सही नहीं है। कहाँ की बकरी है भाई? अगला मिसरा। अगला मिसरा बकरी चढ़ी पहाड़ पे। आ और पीछे से उतर गई। अबे हमने देखी भी नहीं, तुमने उतार भी दी। कैरेक्टर भी तो खराब था। उल्टी सीधी बात। आपको इंग्लिश आती? दिन में 3 दफा पेड़ भर के गुड़। इंग्लिश आती है? बहुत। सामने खंबे के पास आदमी खड़ा हुआ है, उसको इंग्लिश में बुलाना किस तरह बुलाएंगे? अगर सामने खंबे के पास आदमी खड़ा हो उसको इंग्लिश में कैसे बुलाएंगे? मैं कहूंगा ए मैन कम हियर, भागता आएगा। अच्छा वापस कैसे भेजेंगे इंग्लिश में? वापस भी भेजना है। हाँ। उर्दू में भेज दूं? इंग्लिश। इंग्लिश में? हाँ। भेज दूंगा। किस तरीके से? फिर मैं दौड़ के जाऊंगा खंबे के पास। हाँ। वहां जाके बोलूंगा ए मैन दोबारा कम हियर, दिस इज इंग्लिश। ये कैसी इंग्लिश है? बस ऐसी पढ़ी थी। अच्छा ये बताओ अंडे में से चूजा कैसे निकलता है? पहले ये बताओ उसमें घुसता कैसे है? अभी निकलेगा बाद में, घुसेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ हमने सुबह तुमको 10 अंडे दी। सुबह 10 अंडे दिए। दोपहर को 20 अंडे दिए। दोपहर को 20 अंडे दिए। शाम को 300 अंडे दिए। 300 अंडे पूरे दिन में कुल टोटल हमने तुमको कितने अंडे दिए? ये सब मिला के एक दिन में आप इतने अंडे दे ही नहीं सकते, आप कुड़क नहीं हो जाएंगे? इतनी तो मुर्गी नहीं देती वे। अच्छा ये बताओ हिंदू को जलाया क्यों जाता है और मुसलमान को दफनाया क्यों जाता है? वेरी सिंपल बताइए। हिंदुओं को जलाया क्यों जाता है, मुसलमानों को दफनाया क्यों जाता है? मेरी जान कचरा हमेशा जलाया जाता है और खजाना हमेशा दफनाया जाता है। जबरदस्त। तुम्हें भी तो जलाएंगे ना वाजपेयी के लड़के। सॉरी आप तो चारपाई के लड़के। आप कोई सवाल करिए। मैं पूछूं? हाँ। जवाब दोगे जी? जनरल नॉलेज का सवाल है, जहन पे जोर दे के बताना जी। जोड़े कहाँ बनते हैं? जोड़े आसमान पे बनते हैं। तो दर्जी कहाँ जाएंगे? अब जोड़ा सिलवाने में आसमान पे जाऊं, रास्ते में कपड़े फट जाएं। ये कैसे सवाल है? वापस पे सट्टी का नंबर बता रहा हूं मैं। दूसरा सवाल। दूसरा जी। आदमी सांस लेता तो क्या होता है? आदमी सांस लेता है जिंदा रहता है। नहीं फिर पेट ऊपर नीचे होता है। कभी मोटे आदमी को देखा नहीं क्या?
एक आदमी दूध पीता पीता मर गया क्यों? दूध में जहर होगा? नहीं, फिर भैंस बैठ गई, दम निकल गया। किस तरीके से पी रहा था वो? गांव जाके देख लो, सब मैं बता दूं क्या? एक तार पे कबूतरी बैठी हुई है, तार के ऊपर कबूतरी बैठी हुई है, उसने अंडा दिया, हाँ। गिरा नहीं, टूटा नहीं, क्यों? उसने अंडा दिया ही नहीं। दिया है, दिया है। हार मानी। मैं बताऊं? हाँ। उसने चड्डी पहनी हुई थी, अटक गया होगा ना कहीं। एक सवाल करूं? हाँ। ये बताओ सबसे ज्यादा बारिश किधर होती है? तुम ये बताओ सबसे ज्यादा खारिश किधर होती है? सीधी सी बात है, गुद्दी पे होती है, आपको ये नहीं पता? अच्छा एक सवाल है, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो ये सब तालियां बजा देंगे आपके लिए? सब सब पक्की बात है, आपका जहन देखते हैं। जहनी आजमाई जी, पूछो। अगर जवाब दे दिया तो ये सब तालियां बजा देंगे, अभी फंसे ना। पूछो। ये बताओ अंडा फल है या सब्जी? सब। जवाब दे दिया सब तालियां बजा देंगे। ये क्या बात है, आप क्या पत्ती वाला पान खा के आए हो? ये कौन सा सवाल है यार, क्या पूछा? अंडा फल है या सब्जी? फसाया है। हाँ। सुनो बताओ, मुर्गी अगर दरख्त पे बैठ के दे तो फल है और खेत में दे तो सब्जी। जबरदस्त, दैट्स पॉइंट। अरे हमने ख्वाब देखा। आप ख्वाब भी देखते हैं? क्यों, मैं पीतल का बना हुआ। हाँ। लोटे पीतल के ही होते। चलो ख्वाब सुनिए। सुनाओ। रात का वक्त, रात का वक्त, घुप अंधेरा। ख्वाब में कुत्ता कहां से आ गया बे? तुम्हारे अब्बू हर जगह आ जाते। चलो आगे चलो, ख्वाब सुनिए। हाँ। सुबह हो गई, इतनी देर में तो सुबह हो जाएगी बे। ख्वाब सुनिए, ख्वाब सुना। रात का वक्त, रात का वक्त, गुप अंधेरा, गुप अंधेरा, सूरज निकला हुआ। सूरज नहीं निकला होगा, फिर तुम्हारे अब्बा टकले टहलने होंगे, उनको देख के करोगे सूरज टहल रहा है। ख्वाब मैंने देखा नहीं भाई, मैंने देखा रास्ते में हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं हम दो, रास्ते में दो गटर, रास्ते में दो गटर, एक में कीचड़ भरा हुआ, एक में कीचड़ भरा हुआ, एक में शहद भरा, एक में शहद भरा, मैं कीचड़ वाले में गिर गया, तुम शहद वाले में। नसीबों के खेल है भाई। आगे तो सुनो, सुनाइए। फिर हम दोनों निकले, निकले, तुम मुझे चाटने लगे, मैं तुम्हें चाटने लगे, नसीबों के खेल है भाई। गटर बदलो भाई, गटर, नसीब अपना अपना, गटर अपना अपना, रक्षा भी लिखा। अच्छा डॉक्टर के पास भेजा था, आप दवाई ले लिया, किस तरह खानी है? तीन खुराक है, हाँ। एक पानी से, एक दूध से, एक दूध से, एक मुंह से। चौंकने की क्या बात, चबा के खाओ जल्दी सर। अच्छा इसको छोड़ो यार, तुमको दुकान पे लगाया था, औरतों के गड़े में गले मिलते हैं सिंधी, तुम छोड़ कर आ गए? छोड़ा थोड़ी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मार के निकाला। क्या हुआ? पहला दिन में नौकरी पे खड़ा हुआ, सबने मारा। क्या हुआ, मेरा क्या कसूर? आपने तो नौकरी पे लगा दिया, मैं वाकया सुना रहा हूं। सुने जी, मैं दुकान पे खड़ा हुआ था जहाँ औरतों के कड़े हुए गले मिलते, हाँ, सिंधी गले। एक खातून आई, ओए होए, कहे गले मिलेंगे? फिर मैंने कहा बिस्मिल्ला। पीछे उसका मियां खड़ा था, कहेंगे मुझसे मिल ले। फिर मैं उससे मिला, फिर एक हफ्ते किसी से नहीं मिला। मैं कहा दफा करो, काम ही सही नहीं, मट्टी पाओ भाई। आपको देख के एक शेर याद आया, सुनाइए। आप पे फिट बैठ। अच्छा, बहुत अच्छा शेर। आहा वाह। कौन कहता मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कल जो तूने पहनी थी मेरे अब्बा की धोती है। धोती समझते हो? नहीं। पाकिस्तान का हसीन लिबास, हसीन लिबास, वेस्ट ओपन, अल्लाह, हवादार, हर फ्लैट कॉर्नर द फ्लैट। क्या हो गया? धोती जब तक पहनी दिल के ओढ़ के सो गए। कोई सोते में उठाने आ गया? फिर उठाने नहीं आता, बोला दफा करो कैसे पड़ा, छह महीने सोने दो भाई।